हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए तृतीय वर्ष की भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी थी, इसमें आगे आज हम इससे संबंधित कुछ एक चीजें हैं वो करवाएंगे, जैसे भारत की वन नीति है, वनों का संरक्षण और भारत की 16वीं जो वन गणना है वो करवाएंगे। ठीक है, इसमें पहले भारत की वन नीति देखते हैं, बाकी तो इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा मैं, बस थोड़ा सा ही देखेंगे इसकी भारत की वन नीति। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो 21 मार्च है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कर देना। इक्कीस मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जो वन नीति है वो करते हैं भारत की, ये शॉर्ट में समझाऊंगा वन नीति, बाकी पीडीएफ है वो भेज दूंगा आपको। वन नीति देखो, सबसे पहले जो भारत में वन नीति है वो 1894 में बनी थी। सबसे पहले ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी ये। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, राजस्व और राजस्व प्राप्त करना और वनों का संरक्षण इस अंग्रेजों ने बनाई थी नीति 1894 में सबसे पहले। ठीक है, राजस्व प्राप्त करना और वनों का संरक्षण करना ये इसका उद्देश्य रहा था। फिर आजाद भारत में, जब भारत आजाद हो गया था, फिर 1952 में पहली वन नीति बनाई गई, पहली वन नीति बनाई थी। इस नीति में कहा गया कि देश के लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, वन होने चाहिए ये इसमें कहा गया था। मगर ये क्या असफल रही थी, ये जो पहली वन नीति थी भारत में जो 1952 में बनी थी ये क्या असफल रही थी। के बाद फिर एक और वन नीति बनी थी 1988 में। ठीक है, 1988 के बाद फिर 1998 में एक और वन नीति बनी थी, ये 1998 वाली वन नीति अभी तक चल रही है। फिर 7 फरवरी 2003 को, 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये देखो स्थापना की गई थी बीएन कृपाल की अध्यक्षता में, बीएन कृपाल की अध्यक्षता में।
राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया था 7 फरवरी 2003 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके पहले? बी एन धरपाल इसके अध्यक्ष बनाए थे। इस तरीके से भारत में वनों के संरक्षण के लिए समय समय पर वन नीतियां बनाई गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी 2019 की जो वन गणना है, अब वो देखते हैं। 2019 में जो वन गणना हुई है वो देखो, वो 16वीं वन गणना है भारत की, ठीक है। प्रत्येक 2 साल से वनों की गणना की जाती है भारत में, ठीक है। वन रिपोर्ट भारत की वन रिपोर्ट है 2019, ठीक है। अब इसमें देखो, ये द्विवार्षिक होती है, ठीक है, 1987 से, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है द्विवार्षिक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट, यानी प्रत्येक 2 सालों पर वनों की गणना की जाती है, ठीक है। देखो ये जो देखो रिपोर्ट कौन जारी करता है, जो भारत की वनों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, देखो पर्यावरण वन और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक विभाग कार्य करता है, एक विभाग कार्य करता है, ठीक है। उसका नाम है देखो भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। ये जो विभाग है ये रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। नाम क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मंत्रालय है और इसके अधीन ये एक विभाग है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। यह प्रत्येक 2 सालों से भारतीय वन है इस पर रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और देखो ये जो रिपोर्ट जारी करता है ये देखो सर्वे कैसे करते हैं, भारत का एक देखो उपग्रह है, जो भारत उपग्रह है जो अंतरिक्ष में छोड़ता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, उनके द्वारा वनों का सर्वेक्षण करके उनका अध्ययन करके रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। अब देखो इस वनों की गणना में कौन से उपग्रह ने कार्य किया, देखो रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट टू, रिसोर्स सेट टू जो उपग्रह है इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। ये जो कार्य है उपग्रह के माध्यम से करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं ये करते हैं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, दिसंबर के मध्य करते हैं, ठीक है। इनके मध्य क्यों करते हैं? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो आकाश होता है बादलों से मुक्त होता है, ठीक है, बादल नहीं बनते इस समय, ठीक है, बादल मुक्त होता है।
अगर बादल आ जाते हैं बीच में उपग्रह के, तो बाधा उत्पन्न होती है, सर्वेक्षण कार्य नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, 2200 जगहों से सर्वेक्षण किया गया था, यानी अलग अलग क्षेत्र अलग अलग एंगल से इसका सर्वेक्षण किया था, लगभग 2200 जगहों से इसका सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है 2019 की, ये सोलवी रिपोर्ट है। ठीक है, ये सोलवी वन गणना हुई है भारत में, सोलवी वन रिपोर्ट है। ठीक है, ये थी कुछ सामान्य बातें थी इससे संबंधित। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे अपने कि जो वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है, किस राज्य में अधिक वन का क्षेत्रफल है और किन राज्यों में प्रतिशत के आधार पर वनों का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी थी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो, भारत में कुल वन क्षेत्र है, भारत में कुल वन क्षेत्र है, देखो ये है 8,07,200 वर्ग किलोमीटर, 8,07,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है जो वनों से आच्छादित है। ठीक है, अब इनमें देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है। ठीक है, वृद्धि, यानी 2019 में जो गणना हुई है उसमें वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, इसमें जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है 5,188 वर्ग किलोमीटर, 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया, ये हो गया देखो 24.56%। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रफल हो गया कि 5,188 वर्ग किलोमीटर में वनों की वृद्धि हुई है। ठीक है, प्रतिशत में पूछे तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन है, तो वो है 24.56%। ठीक है, और वन होने कितने चाहिए, 33% भाग में वन होने चाहिए, है ना, लेकिन कम है अभी। उसके बाद देखो अपने इसमें देखते हैं कि किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वन है। ठीक है, किस राज्य में, देखो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे हम किस राज्य में, तो कौन सा राज्य प्रथम है वनों के क्षेत्रफल के अनुसार। देखो सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार है या क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के बाद आता है अपने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आएगा अपने ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यानी ये जो क्षेत्र है इनका विस्तार है या क्षेत्रफल है वो अधिक है वनों का। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत वाले, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य, ये तो थे क्षेत्रफल वाले राज्य, ये है प्रतिशत वाले राज्य। इसमें देखो पहला स्थान किसका आ रहा है, पहला स्थान है मिजोरम का, मिजोरम।
86.41%। ठीक है, ये मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहां है 79.63%। फिर तीसरा है राज्य मेघालय, मेघालय में विस्तार है 76.33%। ये देखो राज्य हो गए, क्षेत्रफल के अनुसार भी हो गए और प्रतिशत के अनुसार भी हो गए। प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है, ये इनका क्रम है। उसके बाद देखो इसमें ये भारत की वन रिपोर्ट थी, अब अपने देखेंगे वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण, तो वनों का जो संरक्षण है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है मानव जाति के लिए। ये जो वन है ये प्रकृति द्वारा दिए गए मानव को बहुमूल्य उपहार है, तो इनका संरक्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो संरक्षण वगैरह हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, आप कर भी सकते हो, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, बाकी पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। देखो वनों के संरक्षण में क्या है, वनों की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े और हमने वनों की कटाई कर भी दी तो जितनी वनों की हमने कटाई की है उससे अधिक लगभग 25% जो वन है वो अधिक लगाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो तकनीकी चीजें हैं जैसे लकड़ी के स्थान पे प्लास्टिक, स्टील आदि, इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। और एक दूसरी चीज जो भारत सरकार ने शुरू की है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें एलपीजी गैस सिलेंडर दिया है खाना बनाने के लिए, घर के काम के लिए। तो इसमें देखो क्या है, तो गृहिणियों को सिलेंडर मिला है, इससे क्या है, एक तो लकड़ी की बचत होती है, लकड़ी की बचत, ठीक है, और जो पर्यावरण है पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। तो ये जो सरकार है अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है और हमें भी इसके प्रयास करने चाहिए। इसमें देखो जो नदियां हैं, ठीक है, नदियों के किनारे ठीक है, और जो सड़कों के किनारे जो बंजर भूमिया है, बंजर भूमि, ठीक है, उसके अलावा जो सामूहिक भूमि होती है, सामूहिक भूमि, ठीक है, गांव में जो पंचायतों में जो भूमि होती है जो खाली पड़ी रहती है वहां भी हम वृक्ष लगा सकते हैं। ठीक है, वृक्ष लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो एक 1950 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस कार्यक्रम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1950 में, ठीक है, वन महोत्सव, वनों के संरक्षण के लिए। देखो 1950 में वन महोत्सव कार्यक्रम एक शुरू किया गया था। ये शुरू किया था, कृषि मंत्री थे उस समय, कृषि मंत्री
के एम मुंशी जो कृषि मंत्री थे उन्होंने शुरू किया था। इसमें 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक है, वन महोत्सव मनाया जाता है या इसे वन सप्ताह कहते हैं, वन सप्ताह। तो इसमें क्या करते हैं, खूब सारे पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, खूब सारे पेड़ इस दौरान लगाए जाते हैं। और इसका एक स्लोगन भी था, एक नारा था कि वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी, रोटी है और रोटी ही जीवन है। वृक्ष का अर्थ जल है, वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ, जल का अर्थ और जल का अर्थ रोटी है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन। ये इसका स्लोगन था, एक टैगलाइन थी इसके वन महोत्सव की, ठीक है। तो वृक्षों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक देखो प्रयास के लिए एक बार नेशनल पार्क भी बनाते हैं, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, इनका भी निर्माण किया जाता है। देखो भारत का पहला देखो नेशनल पार्क था 1936 में बना था, 1936 में पहला नेशनल पार्क, ठीक है, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान में इसका नाम है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है ये, उत्तराखंड यहाँ स्थित है ये। 1936 में पहला बना था नेशनल पार्क, नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम बदल दिया, इसका नाम रख दिया जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। वैसे तो ये एक बाघों के लिए है, ये बाघों के लिए, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट चलता है यहाँ, ठीक है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। तो नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं ताकि वनों का और जो वन्य जीव है उन सभी का संरक्षण हो सके। और बाकी आपको पता ही है वनों से संबंधित इनका संरक्षण का, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे, ठीक है, घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे, धन्यवाद।